नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटन के रिटर्न्स के बारे में। मतलब टाइटन में अगर आप इन्वेस्ट किए होते 2020 या 2020 के बाद कभी भी, तो आपको उस पर कितना रिटर्न मिलता। अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते तो कितना रिटर्न मिलता, अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता, और कैसे टाइटन राकेश झुंझुनवाला जी को इतना वेल्दी बना दिए, मतलब इतना रिच बना दिए, मतलब टाइटन में उनको कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला। अगर वो 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किए थे टाइटन में तो उनको कितना रिटर्न का अमाउंट अभी मिला, तो उनके भी अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे उनको कितना मतलब वेल्थ क्रिएट हुआ। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट का जो भी रिटर्न है उसको कैलकुलेट करने का कोशिश किया है। तो देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन टाइटन शेयर, जो डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शन है जैसे कि बोनस हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर एक ही बार मतलब एक ही दिन स्प्लिट भी हुआ है स्टॉक और बोनस भी दिया गया है, मतलब 2020 से अभी तक में। तो और कोई भी एक्शन इसमें कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है, तो इसलिए इसे कैलकुलेट करना बहुत ही बहुत आसान है, बहुत ही बहुत इजी है। तो इसको कैलकुलेट करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है बहुत ही बहुत सिंपल है, बहुत ही बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो कैलकुलेशन होगा हमारा वो यहाँ पर, वो इनिशियल ईयर जो हमने स्टार्ट किया है वो 2001 ईस्वी को लिया है, और यहाँ पर जो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो हमने 20,000 रुपीज़ को लिया है। कि आप अगर 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते 2001 में, जब इसका शेयर प्राइस 30 रुपीज़ था, मतलब 30 रुपीज़ ये करेक्शन के बाद हुआ था 2001 ईस्वी में, मार्केट में करेक्शन आया था बहुत ही ज़्यादा। तो उस समय जो करेक्शन हुआ था, मतलब मार्केट में जो भारी फॉल हुआ था, उसके बाद ये 30 रुपीज़ का था, नहीं तो ये 80 रुपीज़ और 90 रुपीज़ के ये स्टॉक्स था। और हम चार्ट पे आपको दिखाएंगे कि कैसे ये 90 रुपीज़ का था, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2011 ईस्वी में स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू 1 में, उससे फेस वैल्यू 10 था, तो 10 गुना प्राइस करेक्ट हो गया। जब 2011 में स्टॉक को स्प्लिट किया गया फेस वैल्यू 1 में, तो उसी 10 के रेशियो में स्टॉक के प्राइस को कम किया गया, और उसके बाद बोनस दिया गया 1:1 पर, तो फिर इसी रेशियो में वो जो फेस वैल्यू के साथ 10 के रेशियो में प्राइस कम हुआ, फिर उसका प्राइस यहाँ पर बोनस के कारण आधे हो जाएगा। तो कुल जो है प्राइस में जो 20 टाइम्स का डिक्रीज हुआ वहाँ पर, तो उसी रेशियो में आपको फिर वहाँ पर प्राइस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक ही दिन कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, अलग अलग दिन होता कि मतलब 2011 में हुआ, फिर 2012-14 में, तो फिर आपको कैलकुलेट करना जटिल हो जाएगा। वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का उपयोग करना पड़ेगा, जो परसेंटेज ऑफ मैथमेटिक्स है तब कैलकुलेट होगा। यहाँ पर सिंपल है, क्योंकि एक ही बार स्टॉक को स्प्लिट किया गया है, तो आप आसानी से मतलब एक ही बार स्टॉक को 20 गुना कम किया गया, तो हर जगह का जो स्टॉक प्राइस है चार्ट पे वो 20 गुना कम हो गया, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस आपका निकल जाएगा। तो अप्रॉक्स हम माने हैं 30 रुपीज़ उस समय प्राइस होगा, इससे थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है, 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ कम या ज़्यादा। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, इतना शेयर करते हैं कि हमारा नाम भी इतना हो जाए कि हम झुंझुनवाला जी से कभी मिल पाएँ, तो ज़रूर उनसे हम पूछ पाएंगे कि टाइटन को आपने कितने प्राइस पे बाय किया था। क्योंकि आपको कन्फ्यूजन बहुत सारे चैनल्स, मतलब हम अप्रॉक्स सारे चैनल देखे हैं, वो बोलेंगे कि 3 रुपया में वो शेयर बाय किए थे, एक पैनी शेयर था। दोस्तों, पैनी शेयर बहुत ही कम वैसे पैनी शेयर है जो कि एक मल्टीबैगर रिटर्न दिए, नहीं तो पैनी शेयर ही रहता है। आपको देख सकते हैं 30 रुपये का शेयर उस समय कोई पैनी शेयर नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय तो बहुत ही कम शेयर होंगे जो कि 100 रुपया 400 रुपया 500 रुपये के होंगे, तो ये कोई पैनी शेयर नहीं था, एक ठीक ठाक शेयर था। तो चलिए अब हम ये इन्वेस्टमेंट के रिटर्न के जर्नी को हम देख लेते हैं। तो हमने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया 30 रुपीज़ पे, तो कुल शेयर हमारा हो गया कितना, देख सकते हैं 666। तो कुल इतना शेयर हमने बाय किया 20,000 में। जब स्टॉक स्प्लिट हुआ फेस वैल्यू 1 में, 10 से 1 में, तो 10 गुना हो गया शेयर, तो 0.1 इस पे दे दीजिए, सिंपल निकल गया। फिर इसका 2 गुना बोनस 1:1 के कारण 2 गुना हो गया, तो 13,320 शेयर हो गया।
तो कुल इतना शेयर हो गया आपके पास। अगर 2001 में इन्वेस्ट किए रहते तो 2011 में आपके पास शेयर हो गया 13,320। 2011 के बाद कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन इसमें, मतलब जो हमारा बोनस और स्प्लिट है, इसके रिलेटेड नहीं हुआ है। स्प्लिट तो फेस वैल्यू 1 हो गया, अब स्प्लिट कभी होना भी नहीं है, बोनस भी नहीं दिया गया है। तो अब जो बच गया हमारा कि जो रिटर्न है उसको कैलकुलेट करना, तो 20,030 रुपीज़ के प्राइस पर 2001 में जो शेयर हमने बाय किया उस पर जो अभी रिटर्न होगा, तो हाईएस्ट प्राइस जो है टाइटन का वो हो गया है 1,389 रुपीज़ फरवरी मंथ में। तो उस समय कैलकुलेट करें तो कुल रिटर्न आपका आएगा 1,85,01,480। तो हो गया 1,85,01,840, तो 1,85,00,000 इतना रिटर्न हो गया 20,000 पे। अगर 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो 90,00,000। तो ये कैलकुलेशन हो गया हाईएस्ट प्राइस के अनुसार। और अगर अभी करेंट का प्राइस लें तो 1,000 रुपीज़ है, तो उसके अनुसार हो गया 1,33,00,000 20,000। तो ये हो गया करंट जो हमारा वैल्यू है उसके अनुसार। और ये जैसे नॉर्मल होता है तो ये तो सिंपल प्राइस है, इतना प्राइस तो टाइटन रिकवर कर लेगा इजीली। उसके बाद हम बात किए थे कि आपको राकेश झुंझुनवाला जी को ये कितना वेल्थ क्रिएट करके दिया टाइटन, उसका बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा होती है कि राकेश झुंझुनवाला जी को टाइटन और लुपिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिए, जिसके कारण जो झुंझुनवाला जी इतने रिच बन पाए। तो इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि झुंझुनवाला जी मान कर चलते हैं कि 1 करोड़ इन्वेस्ट किए होंगे, वो उससे ज़्यादा भी किए होंगे, तो 1 करोड़ कम से कम लेकर चलते हैं कि वो इन्वेस्ट किए होंगे टाइटन में 2001 में 30 रुपया पर शेयर के दर से। तो अब यहाँ पर देख लीजिए जो शेयर वो बाय करते 3,33,333 शेयर, 1 करोड़ लेकर चले हैं, वो कम भी इन्वेस्ट किए होंगे या ज़्यादा किए होंगे। तो इसके लिए तो क्रिटेरिया आपको बताए हैं कि आप हमें भी सपोर्ट कीजिए, हम भी एक अच्छे इन्वेस्टर और एक अच्छे यूट्यूबर बने, जिससे हम भी कभी उनसे मिल पाए तो ज़रूर हम उनसे पूछेंगे आपने कितना इन्वेस्ट किया था और किस प्राइस पर इन्वेस्ट किया था। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि वो 3 रुपया का शेयर पहले शेयर बाय किए थे, लेकिन प्राइस तो हम इजिली कॉर्पोरेट एक्शन से कैलकुलेट कर लिया कि ये 30 रुपये कम से कम इसका प्राइस होगा उस समय, कम से कम हमने कम से कम प्राइस कैलकुलेट किया कि वो गिरावट में ही खरीदे होंगे। लेकिन जो झुंझुनवाला जी है वो जिस समय देख लेते हैं स्टॉक की आके ग्रोथ होने वाला है, ये अच्छा रिटर्न देने वाले, वो किसी भी प्राइस पर बाय कर लेते हैं और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। वो हम लोगों की तरह पैनिक नहीं होते हैं कि जैसे शेयर प्राइस गिर रहा है तो उसको बेच दें। 2020 में उनका जो इन्वेस्टमेंट है तो इसका 20 गुना कर दीजिए, क्योंकि शेयर 20 गुना हो गया, एक शेयर 20 शेयर बन गया, 10 रुपया फेस वैल्यू एक में स्प्लिट होने के कारण 10 शेयर और उस पर एक बोनस, तो 10 दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 6,3 है, तो 10 दीजिएगा तो हो जाएगा हमारा जो 3 है वो 6 और फिर 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोनस के कारण दोगुना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की जगह 6 हो जाएगा, तो इतना 6 हो गया 6 बार 10, तो इतना शेयर हो गया कुल उनका। और जो हाईएस्ट प्राइस था 1,389, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा आपको 925 करोड़, जो भारत की गिनती उसके अनुसार 9,25,99,90,740। तो कुल इतना का उनको रिटर्न हो गया 1 करोड़ पर, समझ सकते हैं ये है स्टॉक मार्केट का मैजिक फार्मूला। तो स्टॉक मार्केट वो है जो आपको इतना वेल्थ जनरेट करके देता है जब आप पेशेंस रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप स्टॉक नहीं चूज कर पा रहे हैं तो आप म्यूचुअल फंड से भी जा सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्स फंड है उसको भी ले सकते हैं। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जिसको गिरावट में आप बाय कर ले तो आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। अगर आप 9,000 पे निफ्टी को बाय कर लेते हैं तो इंडेक्स तो लॉन्ग टर्म में ऊपर जाना ही है, आपको कभी जो है घाटा होने का बात ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको कभी घाटा होने वाले नहीं है, इंडेक्स फंड कभी आपको घाटा देकर नहीं जाएंगे, तो आप उसमें बाय कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में निश्चित है कि वो बेटर ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उसमें तो जो निफ्टी 50 में स्टॉक्स है उसी में आपका इन्वेस्टमेंट रहना है। तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स कभी निफ्टी में कोई इंक्लूड होता है कभी बाहर होता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी उसमें बाहर हो जाएगा फिर इंक्लूड होगा, क्योंकि फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करेंगे। तो ये होता है कंपाउंडेड, जो इसमें कंपाउंडिंग होता है आपका वेल्थ, आपका जो इन्वेस्टमेंट जिससे आपका वेल्थ जनरेट होता है। तो इसलिए इन्वेस्ट जरूर करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें।
अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप करेंट प्राइस जो हमारा है 1000 उसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 666 करोड़। तो ये करंट प्राइस के अनुसार होगा। लेकिन हम बात करें झुंझुनवाजे स्टॉक मार्केट से कितना वेल्थ जनरेट किए हैं, तो आगे हम आपको बताते हैं। एट प्रेजेंट हिज टोटल वेल्थ अप्रॉक्स डॉलर में 220 करोड़ है। अब इसको 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंडियन रुपीज में हो जाएगा 20,000 करोड़। तो राकेश झुंझुनवाजे भारत के अमीरों में से है और वो जो है टाइटन से अप्रॉक्स 2.7 करोड़ जो है डिविडेंड के रूप में प्राप्त करते हैं। तो समझ सकते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट था उस पर अभी वो 2.7 करोड़ का अप्रॉक्स डिविडेंड प्राप्त करते हैं जब हम उनके इन्वेस्टमेंट को 1 करोड़ कंसीडर किए। तो इतना करोड़ का उनका डिविडेंड है किससे, टाइटन से। अब आगे हम बात करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो अगर 200 रुपया होता तो आप कितना रिटर्न प्राप्त करते, अभी 1.6 लाख मात्र 200 रुपया इन्वेस्ट किए दर दिए। मतलब स्टॉक मार्केट जो छोटे आदमी है उनके लिए भी है, जो बड़े हैं उनके लिए भी है। हर कोई वेल्थ यहाँ जनरेट कर सकता है, बस सिर्फ आपको अच्छे स्टॉक्स पिक करने हैं। और जो है 200 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, अभी आप 600 रुपया हर साल डिविडेंड भी प्राप्त करते। लेकिन जिन्होंने 20,000 इन्वेस्ट किया था उनका जो डिविडेंड अमाउंट है अभी हर साल 66,000, किसी साल कम हो सकता है, किसी साल ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया वो 5 रुपीज़ के बेसिस पर, कि जो आपका 5 रुपीज़ है उसके बेसिस पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि इतना डिविडेंड आपका अप्रॉक्स होगा। तो ये था टाइटन का मैजिकल रिटर्न। अब चलिए हम टाइटन के चार्ट पे बात करते हैं कि कितना परसेंट का ये रिटर्न दिया है जो इतना वेल्थ जनरेट करके दिया है इन्वेस्टर को। तो ये देख सकते हैं टाइटन का चार्ट है, लॉन्ग टर्म का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पर देखते हैं 2001 ले लिया। यहाँ से देख सकते हैं 34,000 से भी ज़्यादा का वो रिटर्न दिया है, 38,000 मतलब अप्रॉक्स मान के चलिए कि 38,000 है तो 35,000 भी मान सकते हैं। तो कम से कम इतना का रिटर्न दिया है टाइटन ने अपने इन्वेस्टर को अभी तक में। और यहाँ से आप देख सकते हैं 2001 के ईस्वी में इसका प्राइस, यहाँ पर चलते हैं 2001 में दिखा रहा है 2.94 रुपीज़। क्या आपको लगता है कि इतना होगा? जब हम कॉर्पोरेट एक्शन लेते हैं तो प्राइस तो आधा हो जाता है, तो 3 रुपया तो अभी दिखा रहा है जबकि फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2.94 में 29 रुपीज़ हो जाएगा। और फिर इसमें बोनस जो दिया गया 1:1 का उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ के आसपास। तो 29 मतलब 58 रुपीज़। और फिर हम आगे चलते हैं तो इसमें प्राइस में काफ़ी करेक्शन आया था, देखते हैं 1.68, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से तो हो जाएगा 16 रुपीज़। फिर बोनस के कारण 1:1 उससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो ये हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा हो जाएगा कितना, 32 रुपीज़। तो इसलिए हमने अप्रॉक्स जो लिया है वो 30 रुपीज़ लिया है, 32 आया। आप 1.48 है, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 रुपीज़ आ जाएगा। तो इसलिए हमने 30 रुपीज़ अप्रॉक्स कैलकुलेट करके लिया है। और एकदम जनमिन प्राइस जानना चाहते हैं कि झुंझुनवाजी कितने पर बाय किए थे, तो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा, जब हम उनसे मिलेंगे तभी तो पूछेंगे। हमने कई बीजे कैडिया जैसे कि इंटरव्यू आपको देखा है, कई सारे चैनल्स पर आप भी देख सकते हैं, वो बताते हैं कि इतने रुपये के प्राइस पर हमने शेयर बाय किया था। अभी आप देखेंगे तो उतने रुपये पर शेयर प्राइस कॉर्पोरेट एक्शन का स्प्लिट हो चुका है, तो आपको चार्ट पे दिखेगा नहीं, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस जो कि हमने कैलकुलेट किया है। तो ये था, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर हमारा 1999 में ये 80 रुपये से ज़्यादा का हुआ करता, 85 रुपीज़ का हुआ करता था ये स्टॉक्स। तो वहाँ से काफ़ी इसमें गिरावट आया था 2001 में, तब उन्होंने बाय किए होंगे, मान के चलते हैं। अगर हाई प्राइस पर बाय किएंगे तो उसका रिटर्न थोड़ा सा कम होगा। तो ये था चार्ट, तो देखते हैं ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न, चार्ट पे भी आप देखते हैं काफ़ी अच्छा चार्ट है इनका। काफ़ी बार इसमें गिरावट आया है, तो गिरावट में यहाँ पर आप जब भी आता है तो बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक्स अभी भी आपको आगे भी अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो इसमें जैसे और गिरावट आता है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपका रिसर्च कहता है कि ये कंपनी अच्छी है आगे भी अच्छा रिटर्न दे सकती है तो आप बाय करें।
क्योंकि हम जो आगे आपको दिखाने वाले हैं इसके जो ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है, वो काफ़ी फेमस है। हमारे मार्केट में पूरी तरह से इनके ब्रांड की मोनोपॉली है। तो ऐसे ही ब्रांड आपको चूज करना है जिसका बिजनेस में मोनोपॉली हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो इनके ब्रांड कौन कौन से हैं। यह देखते हैं टाइटन कंपनी, टाइटन कंपनी का जो ब्रांड है देखते हैं, वॉच है, ज्वेलरी है इनका, प्रीसेस इंजीनियरिंग है, बैग्स है, परफ्यूम है, बेल्ट है, वॉलेट है और आईवियर है। जो फेमस ब्रांड है इसके फास्ट ट्रैक आप मार्केट में जाएंगे हर कोई जानता है। इसके जो वॉचेज होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं, इसके बैग जो होते हैं काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो फास्ट ट्रैक बहुत ही फेमस ब्रांड है इसका। फिर तनिष्क काफ़ी फेमस है, ज्वेलरी ब्रांड है ये, और उसके बाद टाइटन, आई प्लस, ये सारे ब्रांड जो है इनके काफ़ी फेमस हैं। और नीचे चलते हैं, इनके देखते हैं जो ओरियन है, ये टाइटन ब्रांड, ये नया टाइटन ब्रांड देख सकते हैं, 9 दिसंबर 2008 को ये लॉन्च किए थे टाइटन, जो ओरियन ब्रांड कोयम्बटूर में लॉन्च किए थे। उसके बाद और भी कई सारे इनके ब्रांड हैं यहाँ पर देखते हैं, टाइटन एक्सपेंड फैशन ब्रांड देखते हैं, फैशन ब्रांड 50 मोर ब्रांड देखते हैं, चेन सेल्स 50 मोर ब्रांड सच एज देखते हैं, गस, फॉसिल, ई स्पिरिट, डी के एन ए, गुस्सी, भरसेक, देखिए इम्पीरियर, अरमानी देखते हैं, टेग, हैर, रेमंड वाले, एज ए डीलर, एज ए डीलर अपार्ट फ्रॉम टाइटन्स 4 लाइसेंस ब्रांड, एज ए डीलर ये सारे ब्रांड जो है टाइटन सेल करता है। और इसके और भी ब्रांड है तो देखते हैं, उनके जो ब्रांड है देखते हैं, सोनाटा काफ़ी फेमस वॉचेज है हमारे यहाँ, टाइटन लीजिए या तो सोनाटा लीजिए, रागा लेडीज़ के लिए काफ़ी फेमस ये वॉचेज है, वॉच का ब्रांड है, वॉचेज ब्रांड है। उसके बाद ऑक्टेन, XYLYS देखते हैं, ये सारे जो है यहाँ पर देखते हैं, हिले फिगर, तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। टाइटन इज़ वेरी गुड ब्रांड एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर टाइटन काफ़ी फेमस ब्रांड है। और इसके जो मतलब पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स, ये भी ग्लोबल ब्रांड है तो समझते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है तमिलनाडु जो कॉरपोरेशन है उसका भी ये पेरेंट कंपनी है, तो ये ज्वाइंट वेंचर है टाइटन टाटा सन्स का और तमिलनाडु कॉरपोरेशन का, तो दोनों इसके पेरेंट कंपनी है एक तरह से। अब ये तो हो गया, आपने देख लिया इसका जो फेमस ब्रांड है मतलब बिजनेस में पूरी तरह से इसका मोनोपोली है, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के कई सारी कंट्री में। अब हम आपको दिखाते हैं इसके बैलेंस शीट, तो नीचे आगे हम देख सकते हैं यहाँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व जो है कंपनी के पास है वो 6736 करोड़, और जो सिक्योर लोन है 626 करोड़ का है। तो मात्र 626 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है, तो जो कि डेप्ट बिल्कुल कम है। उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस 356 करोड़ का। तो उसके बाद बुक वैल्यू देख लेते हैं कंपनी का, तो नीचे कंपनी का बुक वैल्यू देखते हैं लगातार ग्रो हो रहा है, देखते हैं बुक वैल्यू में कभी गिरावट नहीं है, कंपनी का बुक वैल्यू लगातार ग्रो हो रहा है, देखते हैं 39 से यहाँ 76 पे चला जा चुका है कंपनी का बुक वैल्यू। तो ये है कंपनी टाइटन का बैलेंस शीट। अब हम कंपनी का जो वैल्यूएशन है, कॉर्पोरेट एक्शन है, वो सारी चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ हम चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन पे, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन पे यहाँ आप आते हैं तो यहाँ पर डिविडेंड है, डिविडेंड देख सकते हैं 400% का, 500% का, 375% का, तो ये तो बोनस हो गया, रेगुलर बोनस हर साल देती है एक कंपनी, तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। उसके बाद बोनस देख लीजिए 1:1 का 2011 में, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। उसके बाद स्प्लिट देखते हैं 10:2, मतलब 10 फेस वैल्यू से डायरेक्ट 1 रुपीज फेस वैल्यू में स्प्लिट किया 2011 में, तो यही हमने कैलकुलेट किया था कॉर्पोरेट एक्शन को कि फेस वैल्यू 10 से 1 हो गया, आपका शेयर 10 टाइम्स हो गया। फिर उसी दिन जो है आपको देख सकते हैं कि जो है बोनस दिया गया 1:1 का, तो आपका जो शेयर है वो 20 टाइम्स हो गया। 23 जून यहाँ पर देखते हैं फेस वैल्यू स्प्लिट हुआ है, यहाँ पर देख ले 23 जून आपका जो है बोनस दिया गया है। तो ये था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइटन के बारे में कि टाइटन कैसे इन्वेस्टर को जो है बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, और ये आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको खुद अपना रिसर्च करना है, क्या इसका बिजनेस इसी तरह मोनोपोली बिजनेस बना रहेगा, या इसमें कुछ गिरावट आ सकता है, या कंपनी और अपना आगे जा कर के बिजनेस में ग्रोथ दिखा सकती है। तो सारी चीज़ देखने के बाद, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड एजुकेटेड वीडियो मिलता रहे।